Hey guys, hello everyone. My name is Mayur and you are watching Tashwa Vlogs. So friends, आज काफी टाइम के बाद मैं आपके लिए अनबॉक्सिंग वीडियो लेकर आया और अभी वो किस चीज की जो कि आपने थंबनेल देख के पता चला लिया होगा। जी हाँ गाइस, आज के वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूँ डॉन्चिंग की कोडलेस स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन। बहुत ही अमेजिंग वाली वीडियो बनेंगी और मेरे ख्याल से काफी लोग इसको यूज भी करते हैं। जो नहीं यूज करते और जिनको मशीन लेनी है तो ये वाला रिव्यू वीडियो आप देखिए, आपको सब समझ में आ जाएगा। मैं आपको इसके अंदर सारा आपका जितना भी डाउट है सब क्लियर कर दूंगा और स्पेसिफिकेशंस, डिटेल्स, प्राइस, सब कुछ टोटल ए टू जेड आपको सब कुछ वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। सो वीडियो को जो है पॉइंट टू पॉइंट पूरा देखिएगा प्लीज़। सो वीडियो को मैं स्टार्ट कर लेता हूँ और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ इस मशीन को अनबॉक्स करने से, क्योंकि मैं सोच ही रहा था कि इसके ऊपर एक वीडियो तो बनानी है और फाइनली आज इसका टाइम आ गया है। तो अभी मैं इसको अनबॉक्स कर लेता हूँ, देखिए तब तक मज़ा आएगा। और चैनल पर नए तो फटाफट से सब्सक्राइब करना बनता है और वीडियो को तो लाइक नए हो तो स्पेशली सब्सक्राइब किए अगर जाना नहीं, और वीडियो को कंटिन्यू करते हो। सो लेट्स बिगिन। सो फ्रेंड्स, फाइनली अभी हम आ गए हैं अनबॉक्सिंग करने की लोकेशन पर और यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बॉक्स का वॉकअराउंड दिखा देता हूँ। और बॉक्स के मामले में आपको पता ही है कि मैं सबसे ज़्यादा फैन हूँ डॉन्चिंग के बॉक्सेस का। सो पहले वॉकअराउंड दिखा देता हूँ, यार मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको मशीन को अनबॉक्स करने के मामले में। तो यहाँ पर कुछ आपको ऐसा बॉक्स की प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, दोनों साइड आपको सेम प्रोफाइल देखने को मिल जाती है, नीचे ऐसा कुछ भी नहीं है और जो है वो है बॉक्स के अंदर। सो कुछ ऐसे आपको ऊपर से बॉक्स दिखा मिलता है और ये है इसका मेन छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बॉक्स, जो कि जिसकी बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो एक नंबर बिल्ड क्वालिटी का है सच में। यहाँ पर आपको डॉन्चिंग का 3D में आपको ब्रांडिंग देखने को मिल जाता है बॉक्स पर और क्या चाहिए। सो इसको भी फटाक से अनबॉक्स कर लेते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या कंपनी ने दे रखा है एक्स्ट्रा। इसको गाइस खोलने का एक तरीका है, यहाँ पर इसका जो क्लिप है ये मुझे बहुत बेकार लग रहा है सच में गाइस, क्योंकि क्लिप को जो खोलने का तरीका है वो खटक खटक ऐसा करके खुल जाता तो और अच्छा रहता, मज़ा नहीं आ रहा है। इसको ऐसा दबा के इसके नीचे से ऐसा निकालना पड़ रहा है, बहुत मेहनत का काम है बॉक्स खोलना भी गाइस सच में। ऐसे ही अनबॉक्सिंग वीडियो आपके लिए नहीं बनती, सब्सक्राइब किए बिना जाने नहीं दूंगा मैं आपको। तो सबसे पहले आपको वारंटी कार्ड देखने को मिल जाता है और बॉक्स कुछ इस तरह से खुलता है। एक अंदर इसके अंदर बिट भी दिए गए जो कि स्क्रू टाइट करने के लिए, और इसके अंदर आपको ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक और ये कुछ वारंटी कार्ड जो कि कंपनी क्लेम करती है 6 मंथ की वारंटी। सो इसको रखते साइड में और यहाँ पर आप देख सकते हो ऑपरेशन इंस्ट्रक्शन बुक देखने को मिल जाता है। दो तरह के मॉडल्स है, सो ये वाला जो मॉडल है ये वाला DCJ Z1 202E और एक और आता है वो आता है DCJ Z1 201। यहाँ पर आप देख सकते हो दोनों मॉडल्स के नेम नंबर। और ये वाला जो मशीन है ये वाला 10.8 वोल्ट का है जो कि लियोन की बैटरी है इसके अंदर। और यहाँ पर बिट को निकाल देते हैं, बिट इसका किस तरह से है। अच्छी बात है कि कंपनी ने ये बिट भी दे रखा है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो डॉन्चिंग का ओरिजिनल बिट आपको यहाँ पर देखने को मिल जा रहा है और ये आपको देखने को मिल जाता है इसका चार्जिंग सॉकेट जिसके अंदर आप चार्ज कर सकते हो बैटरी को इजीली। जो चार्जर है ये आपकी बैटरी को 1.5 घंटे में फुल ऑफ चार्ज कर लेता है और आपका जो मशीन है वो 2 घंटे नॉनस्टॉप चल सकता है। बस थोड़ा बैटरी जो चार्ज करने का टाइमिंग है वो थोड़ा कम होना चाहिए था, कम से कम इसको 1 घंटा कर दिया रहता तो भी ठीक ठाक था। सो यहाँ पर आपको एक और एक्स्ट्रा बैटरी देखने को मिल जाती है जो कि हर मशीन में आती है आपको एक एक्स्ट्रा बैटरी, खास करके कोडलेस में। तो यहाँ पर 10.8 वोल्ट की ये बैटरी है, वेट है हल्का हल्का वेट है। सो सोचो आप 12 वोल्ट की बैटरी लोगे तो उसका वेट कितना ज़्यादा होगा, ये तो 10.8 वोल्ट की है। सो बैटरी को भी रखते हैं साइड में। अब अपना मेन कंटेंट जो है मशीन। सो यहाँ पर मशीन का वेट की बात की जाए तो 1 kg का वेट है और लिटरली लग भी रहा है 1 kg का वेट है, इतना हैवी मशीन है। ये है इसका बैटरी पैकेज बटन, इसको इस तरह से निकाल सकते हो आप, मैगजीन की तरह लग रहा है सच्ची में, गन की मैगजीन होती है ना उस तरह से। सो यहाँ पर आपको चार्जिंग भी इसमें भी सेम देखने को मिल जाता है, लोड करने के बाद तो और ज़्यादा वेट हो जाता है इसका, तो इजीली इस तरह से आप डाल सकते हो और मशीन को जो चला सकते हो। अब मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट बताता हूँ कि इसके अंदर क्या क्या फीचर्स है। तो सबसे पहला चक जो कि 10 mm का चक है और फिर यहाँ पर आपको 1 to 18 तक
स्टॉक सेट देखने को मिल जाता है 1 टू 18 तक। आप जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है देख सकते हो, यहाँ पर 1 टू 18 तक आपको स्टॉक सेट देखने को मिल जाता है प्लस ड्रिल। तो यहाँ पर आपको इतना सारा फंक्शन, मतलब कितना भी बड़ा स्क्रू टाइट कर सकते हो जिस हिसाब से मशीन बनाई गई है उस हिसाब से ही। ये है इसका लेफ्ट राइट के लिए स्विच, 1 और 2 करके यहाँ पर गियर दिए गए हैं। ये आप एक्चुअल में इसकी स्पीड बढ़ाता है, सो अगर आपको लोड की ज़रूरत है तो आप इसको सेकंड पे डाल के चला सकते हो और भी पावर मिलेगा आपको इस मशीन के अंदर। यहाँ पर ब्रांडिंग यहाँ पर 3D में की गई है मशीन के ऊपर। और ग्राफिक की बात की जाए तो ग्राफिक मुझे गाइस सच में इतना कमाल का लग रहा है, और ये मेरे ख्याल से आपको सेम एज इट इज़ बॉश में भी सेम ग्राफिक देखने मिल जाएगा। थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा बट ग्राफिक बहुत ही सही है सच में। और यहाँ पर और भी कुछ स्पेसिफिकेशंस है, सीरियल नंबर है यहाँ पर, स्पेसिफिकेशन आपको दे रखा है। पीछे से कुछ आपको ऐसा लुक देखने को मिल जाता है, साइड प्रोफाइल कुछ आपको ऐसा देखने को मिल जाता है। ग्रिप जो है आपके हाथ में अच्छे से ग्रिप बना सकता है, ये मशीन अच्छा ग्रिप बना रहा है, अलग ही फील दे रहा है सच में। यहाँ पर आपको ड्रिल का ब्रांडिंग देखिए, आपको यहाँ पर ड्रिल लिखा हुआ है। कंट्रोलिंग स्विच मिलता है, आप जिस हिसाब से मशीन को चलाते हो उस हिसाब से मशीन चलती है। ये सबसे बेस्ट पार्ट लगा मुझे। और रिवर्सेबल तो मैंने बता ही दिया, लेफ्ट टू राइट, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज जैसे आपको चलाना चला सकते हो। और इसके अंदर आपको लाइट देखने को मिल जाती है, मतलब आप कभी अंधेरे में काम कर रहे हो तो आप इजीली यूज़ कर सकते हो इसको। और यहाँ पर आपको बैटरी इंडिकेटर दिखा है कि आपके बैटरी में अभी कितना चार्ज बचा है, उसके लिए आपको यहाँ पर इंडिकेटर। और कुछ इसमें अलग सी नॉइज़ आ रही है गाइस सच में, यहाँ पर आप सुनो, मैं आपको सुनाता हूँ, कुछ अलग से टिंग करके नॉइज़ आ रही है, ये देखो। हल्की सी से टिंग करके नॉइज़ आ रही है, एक अच्छा सा रोबोटिक वाला फील दे रहा है ये मशीन। बहुत ही अच्छा लगा गाइस मुझे सच में, बहुत ही अच्छा लगा। और अब मैं आपको दिखाता हूँ कि इसके अंदर ये कैसे इंस्टॉल किया जाता है। अगर आप लोगों ने यूज़ किया रहेगा तो उनको तो पता है, जिन्होंने ये यूज़ नहीं किया उनके लिए बता रहा हूँ बीट लगाना आपको कैसे लगाया जाता है। तो इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूँ। सो क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपके जो क्लैंप्स है वो अंदर चले जाएंगे, और अगर आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपके क्लैंप्स जो है बाहर आएंगे। सो अभी आपको ड्रिल बिट को फिट करने के लिए आपको क्लॉकवाइज घुमाना होगा, क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आप इसको अंदर इजीली बिट जो है लगा सकते हो। ये ऐसे लगा दिया, एक और बार घुमा देता हूँ। हाँ, लगाने के बाद इसको फिर से अभी हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो आपका बिट जो है टाइट हो जाएगा। ये देखो हो गया, इतना सिंपल है गाइस, और क्या चाहिए, इतना सिंपल सी चीज़ है आपकी। और इसका टॉर्क पावर तो देखो, अभी ये मैंने फर्स्ट टॉर्क पे रखा है तो यहाँ पर आप देख सकते हो। और यहाँ पर अभी मैं जितना इसको हाई टॉर्क पे रखूँगा उतना ये पावर ज़्यादा बनाएगा, आप देख सकते हो कितना पावर बना है। और 18 पे रखूँगा तो ये हाथ में ही नहीं ठहरेगा, इतना ज़्यादा पावर बना पाएगा। ये देखो रुक ही नहीं रहा है, ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपको गाइस छोटा मोटा काम करना है तो आप ये 10 वोल्ट की ले सकते हो, और अगर आपका थोड़ा हैवी काम है तो आप ये 12 वोल्ट की भी ले सकते हो। उसके ऊपर अगर आपको वीडियो चाहिए सो गाइस कमेंट करो, मैं अभी भी बोल रहा हूँ और पहले भी बोलता था कमेंट करो, मैं आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोस लाऊंगा। उसके अंदर आपको ड्रिल मोड भी देखने को मिल जाता है, एरो पे अगर आपने ये ड्रिल वाला रखा, ड्रिल पे सेट कर दिया तो आपका फिर ये ड्रिल मशीन बन जाएगा। तो इसको कुछ इस तरह से ड्रिल पे सेट करते हैं, ये हो गया अभी आपका ड्रिल मशीन मोड पे। इस तरह से आप ड्रिल भी कर सकते हो इसके अंदर, ड्रिल का बीट लगा के। ये चक जो है 10mm का है, याद रखना 10mm का ही इसके अंदर बीट लगेगा। और अभी मैं आपको बताता हूँ कि बैटरी को ऐसे इसके अंदर सेट करना है, तो यहाँ पर आप इस तरह से दबाओगे और आपका बैटरी जो चार्ज होने लग जाएगा। एक मिनट मैं दिखाता हूँ। सो आप देख सकते हो अभी यहाँ पर लाइट जल रही होगी, लाइट ब्लिंक हो रही है, इसका मतलब वो चार्ज हो रहा है। और अगर आप निकालोगे तो आपका ग्रीन लाइट इग्निशन देगी। सो चार्ज पर लगाओगे तो रेड और निकालोगे तो ग्रीन। मैंने अभी प्लग निकाल दिया लेकिन ये थोड़े टाइम के बाद बंद होती है। सो बहुत ही कमाल का फीचर्स है यार सच में, मशीन बहुत ही अमेजिंग है। सो फ्रेंड्स, अगर आप इंटरेस्टेड हो इस मशीन को बाय करने के लिए, सो यहाँ पर मैंने लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप इसके बारे में पूछ सकते हो। और इसकी प्राइस की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 3000 रुपीज़ की प्राइसिंग देखने को मिल जाती है इस मशीन की, जो कि आपको पता है कि बैटरी वाली जो मशीन है उसकी प्राइसिंग थोड़ी एक्सपेंसिव ही रहती है, बट काम भी इतना अच्छा करती है गाइस सच में।
और फटाफट से बाय करो, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छी डील है मेरे ख्याल से आपके लिए। अगर आपको और भी कोई स्क्रू ड्राइवर ड्रिल मशीन पर वीडियो चाहिए तो प्लीज गाइस कमेंट करो। सो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना मत भूलना ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पहले आ सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, नाइस डे।